कक्षा छ गणित पाठ 9% बनाकर देखे 9 का क्वेश्चन नंबर 20। फसल पकने के समय धान की कीमत 1,080 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब एक क्विंटल धान का दाम कितना है 1,080 रुपया। वर्षा काल में धान की कीमत 15% बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था 1,080 रुपया, अब कितना बढ़ा 1,080 का 15%। जो किसान फसल पकने समय 12 क्विंटल धान की बिक्री कर रहे थे, उन्हें वर्षा काल में उस परिमाण की धान की बिक्री करने पर कितना ज़्यादा रुपया मिलेगा बताओ। तो पहले 12 क्विंटल इसके हिसाब से, मतलब पकने समय वाला दाम निकाल लेना है, यानी कि 12 में 1,080 से गुना करके पकने समय का दाम निकाल लेंगे, उसके बाद 15% बढ़ा देंगे दाम, और वर्षा काल में कितना परिमाण का दाम कितना आएगा उसको निकाल लेंगे और उन दोनों को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। आप 20 नंबर, सवाल। धान की कीमत पकते समय या पकने के समय कितना है 1,080 रुपये। वर्षा काल में कितना समय होगा, तो वर्षा काल में कीमत में वृद्धि कितना हुआ, 15%, तो 1,080 का 15% बराबर 1,080 गुना 15/100, 100 से 10 कटा और 5 से काटेंगे, काट दो 5 से, 5 से 15, 5 2 का 10, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 4 8, 3 से गुना करेंगे, 3 4 12 का 2 1, 3 5 15 1, 16, कितना रुपया बढ़ा। तो इसलिए वर्षा, अच्छा प्रति क्विंटल लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि प्रति क्विंटल का दाम 1,080 रुपया। तो प्रति क्विंटल के दाम से ये भी बढ़ा कि एक क्विंटल पे 1,162 रुपया बढ़ गया। तो वर्षा काल में धान का कीमत निकाल लेते हैं, वर्षा काल में धान का कीमत बराबर 1,080 जोड़ 162 बराबर 2 8 6 14 4 1, 1 1 2 1 रुपया प्रति। अब सवाल में क्या बोला उसे देख लेते हैं। सवाल में बोला है कि वर्षा काल में उस परिमाण के धान को बिक्री करने में कितना ज्यादा रुपया मिलेगा बताओ। अरे तो इसको ये निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वर्षा काल में कितना कीमत मिल रहा है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या कितना ज़्यादा मिल रहा है, 162 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो कितना पूछा है सवाल में, कितना ज़्यादा मिलेगा, इसलिए लिखेंगे 12 क्विंटल धान में धान की बिक्री में 12 गुने कितना ज्यादा मिला है 162, तो 12 से 162 में गुना कर देंगे, 12 गुना इतना ज्यादा
रुपया मिलेगा। 12 क्विंटल धान में बिक्री में ज्यादा रुपया मिलेगा, कितना? 12 गुने 162। अब गुना कर देंगे 12 से, 12 दून 24 का 4 2, 12 7 12 6 72, 2 74, 7 12 कम 12 7 19। तो प्रति क्विंटल कितना ज्यादा मिल रहा था? 162। अब कितना मिलेगा 12 क्विंटल को बिक्री करने में? 1944 रुपये। यही सवाल ने पूछा था, हमने निकाल लिया। आप वहां से भी निकाल सकते हैं, तो वहां पर दो बार आप गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 12 क्विंटल के धान में तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, इसलिए वर्षा काल में 12 क्विंटल की धान के बिक्री पर 1944 1944 रुपया ज्यादा मिलेगा। इस तरह हमारा सवाल नंबर 20 खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने 20 नंबर सवाल का हल किया, इससे पहले वाले में 18 और 19 का हल किया था, उसके पहले वाले वीडियो में 17, उसके पहले वाले में 16, उसके पहले वाले में 15, 14, 13, 12, 10, 9 और 8। इस तरह हमने इन सवालों का हल किया है। उसके पहले वाले में 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह हमने बनाकर देखे 9 के सभी प्रश्नों का हल क्या हुआ है। और आपको इन सभी प्रश्नों का हल देखना है तो आप कैसे चेक करेंगे उसको भी हम बता देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसपे आपको इस तरह से क्लिक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मिलेगा उसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह करके आपको इस पार्ट का जो प्रतिशत पार्ट है कक्षा 6 का सभी प्रश्नों का हल का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाके जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें।